Audio Jungle. योजनाएं बनाई है जो अभी तक आधी जनता को नहीं पता, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छता अभियान। ये नजारा है अशोक विहार के सिंधी धर्मशाला का, जहां शुक्रवार को मन की बात नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वजीरपुर विधानसभा के निवासियों ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन से अपने मन की बात कही। कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ऑफ वजीरपुर विधानसभा वेलफेयर एसोसिएशन ने किया था, जिसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अशोक विहार सिंधी समाज के प्रधान भरत वातवारी ने बताया कि सभी RWS ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर फेडरेशन के प्रधान ब्रिजमोहन गर्ग भी मौजूद थे। साथ बताया, जनता की समस्याओं को सुना, हर क्षेत्र की समस्या सुनी, जय जय कॉलोनी की समस्या सुनी, वजीरपुर गांव की समस्या सुनी, जे ब्लॉक के RWS की समस्या सुनी। इस तरीके से उन्होंने डेलीगेशन भी लिया और उन्होंने ये बताया कि मैंने, मेरा जितना भी फंड था मैं पूरा उसको लगा चुका हूँ और जितने भी आपकी समस्याएं हैं ये मेरे ऑफिस में नोट हो जाएंगी। जिस जिस डिपार्टमेंट की समस्या है उसको मैं समस्या सीरियसली लूँगा और इसका समाधान निकालूंगा। अपने दिल की सारी बातें और अपनी परेशानियां सारी रखी और सबसे बड़ी बात यह है, आज इसके माध्यम से ये पता चला है कि जितनी समस्याएं थी उसमें से 60% जो है ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। इतना ही नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपने मन की बात लोगों के सामने रखी और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस कार्यक्रम में स्थानीय BJP निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल, निगम पार्षद योगेश वर्मा के अलावा पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल, केशवपुरम जिला के अध्यक्ष रोशन कंसल और BJP जिला से कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। सावन पार्क वार्ड से BJP निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल ने डॉक्टर हर्षवर्धन को वार्ड में विकास कार्यों के लिए अपने फंड से उन्हें सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी किया। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा जी? जो आज का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, आज सुबह 7 बजे से लेकर और रात को 10:30 बजे तक डॉक्टर साहब के साथ रहे हैं। जो और हमारे पूरे, मेरे तो वार्ड 73 में तो डॉक्टर साहब ने सबसे ज़्यादा समय दिया और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा समय देने के साथ साथ मेरे साथ को उनके साथ रहने का एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। गरीबों की कोई नहीं सुनता, जहाँ लड़कियाँ छेड़ी जा रही हैं छोटी छोटी, जहाँ छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, मैं उनकी एक मुहिम करना चाहता हूँ और गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। अगर मन की बात की बात की जाए तो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से लोगों से सीधा संवाद करते रहे हैं, लेकिन अब BJP के सांसदों ने भी उन्हीं की राह पर चलते हुए ऐसा करने की जो कोशिश शुरू की है, इसका क्या नतीजा रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन प्रिया शर्मा और भारती के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।